बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चिली ग्रेवी की रेसिपी विद गार्लिक राइस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉस की प्रिपरेशन करेंगे जो कि ग्रेवी के लिए है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल लिया था, उसके अंदर मैं 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड करूँगी। 2 कप रूम टेम्परेचर पर पानी लेना है हमने, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर सफ़ेद सिरका, 6 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, 6 टेबल स्पून चिली सॉस एंड केचप लूँगी मैं 10 टेबल स्पून्स। और ये मैं डाल दिए हैं सारे मैंने चीज़ें, एक एक शॉट मैंने इसलिए बनाया ताकि इजी हो जाए, लंबी ज़्यादा नहीं हो वरना ड्रैग हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। अब मैं डाल रही हूँ शुगर 1 टीस्पून इस मिक्सचर के अंदर, साथ में मैंने 2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, और 2 टीस्पून चिकन पाउडर या फिर 1 चिकन क्यूब आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है पूरे सॉस में। और लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून्स, और उसको मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपस में इनकॉर्पोरेट कर जाएं। और इसको हम साइड में रख देंगे जब तक हम चिकन की प्रिपरेशन करेंगे और साथ में वेजीज कट करेंगे और अपने राइस की प्रिपरेशन करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और एंड तक देखना है, ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, फुल प्रूफ रेसिपी है, आप इसमें कोई चेंजेस करे बगैर बनाइए, बहुत ही मज़े की बनेगी। चिकन मंचूरियन और चिकन शासक भूल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्राइड चिकन की प्रिपरेशन किस तरह से होगी। यहाँ पर 300 ग्राम्स जो है मैंने चिकन की बोटियाँ थी उनको लिया था, और उसको भी मैंने बीच में से स्लाइसिंग कर दी थी ताकि वो एक जूलियन इफ़ेक्ट भी दे, और ये कि 1 बाइट साइज़ हो जाएगा तो आपके स्पून में अच्छा लगता है एक साथ ही आए, तो बार बार तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत लंबी बोटियाँ होंगी। तो साथ में मैंने 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है पिसी हुई काली मिर्च, और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में 1 टीस्पून ऑफ विनेगर, ये चिकन को गलाने में और सॉफ्टिंग करने में बहुत काम आएगा इसके में, और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है सोया सॉस, और 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। और इसके बाद हम एंड में लेंगे 4 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। कुछ लोग इसमें अंडा भी ऐड करते हैं, इवन मैं भी करती हूँ कुछ रेसिपीज़ में ऐसा है, मगर ये विदाउट एग ही बहुत अच्छी है। अगर हाँ कॉर्नफ्लोर की अगर क्वांटिटी आप ज़्यादा करेंगे तो वो आपकी फिर पैन में चिपकता है तलते ही टाइम, तो 4 टेबल स्पून इनफ है। अब मैं मिक्स कर लूँगी सबको अच्छी तरीके से, मैंने हाथ से इसको मिक्स किया था, और 10 से 15 मिनट हम इसको रख देंगे, उसके बाद फ्राइंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, जिसमें से मैंने 1/4 कप इसमें चिकन फ्राई करने के बाद 1/4 कप ही मैं सॉस बनाऊंगी, और 1/4 कप ही मैं गार्लिक राइस बनाने में यूज़ करूंगी। अब मेरा तेल गरम हो गया था यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी चिकन को 3 बैजेस में मैंने तक फ्राई किया है, तो अभी इस तरह 2 या 3 बैजेस के अंदर ज़रूर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो ओवर जो है फिलअप हो जाएगा, स्पिल भी होगा ऑयल। मेरी चिकन गोल्डन फ्राई होकर तैयार हो गई थी तो मैंने साइड में रख दी है। अब आ जाते हैं वेजीज की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक को ग्रेट कर लिया था या चॉप कर लें 1 टेबल स्पून, और गार्लिक को भी 1 टेबल स्पून मैंने लिया, 4 से 5 चवे 1 टेबल स्पून बन जाते हैं, उनको भी स्लाइस कर लिया था। और यहाँ पर हरी मिर्ची ली है मैंने 8 अदद, उनको बीच में से स्लिट कर दिया था और पानी में डिप कर दिया 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसकी जो तेज़ी है वो कम हो जाए, और 15 मिनट बाद हम इसको ड्रेन कर लेंगे और खाली मिर्चों को इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था, 2 मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने जूलियन या स्लाइस कर लिया था, जूलियन कट कर लिया था। अब वही तेल मैंने यहाँ पर लिया है जिसमें मैंने चिकन फ्राई की थी 1/4 कप, और इसको मैंने हीट कर लिया है, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर गार्लिक, और थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अनियन और साथ में शिमला मिर्च, इसको 20 to 30 सेकंड्स हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि अभी हमने ग्रीन चिलीज भी ऐड करनी है, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं ग्रीन जिंजर गार्लिक के बाद आप पहले ग्रीन चिलीज को हल्का सा फ्राई कर लें 1 to 2 मिनट्स, उसके बाद फिर आप वेजीज डाल दें तो उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। अभी मैंने इस तरह से किया है कि पहले मैंने दोनों को सब्ज़ियाँ डाल दी हैं, और उसके बाद अब मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डाल के इसको 2 से 3 मिनट फ्राई किया,
उसके बाद जो फ्राइड चिकन थी वो मैंने इन सब मिक्सचर में ऐड कर दी और साथ में मैंने सॉस भी ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम इसको एक बॉईल देंगे ताकि वो गाढ़ा भी हो जाए मिक्सचर और अच्छा सा पक जाए, चिकन वगैरह सब अच्छा सा टेस्ट उसमें डेवलप हो जाए। उसके बाद गार्लिक राइस की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर वही 1/4 कप मैंने ऑयल लिया जो मैंने चिकन में यूज़ किया था फ्राइंग में। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने चॉप्ड गार्लिक ले लिया है वो इसमें ऐड किया है। ये हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट सा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 15 से 20 सेकंड में ही ट्रांसल्यूसेंट सा होना शुरू हो जाएगा अगर तेज़ आँच है तो। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट पेपर जो कि मैंने ली है यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब 2 कप चावलों के साथ, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी। अब मेरा यहाँ पर जो गार्लिक है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ गई है ऑयल के अंदर वाइट पेपर एंड गार्लिक की। अब इसके अंदर बॉइल्ड हुए 2 कप्स राइस जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, साथ में 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस ऐड कर दिया है, और सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून डाला था और मुझे नीड नहीं हुई थी इससे ज़्यादा डालने की, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। लीजिए यहाँ पर बहुत ही स्क्रम्पशियस सी चिकन चिली ग्रेवी रेडी हो गई है और साथ में मैंने गार्लिक राइस भी सर्व कर दिए हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ और या चिकन फ्राइड राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, और इवन स्टीम राइस के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। फुल ऑफ टेस्ट है और फुल प्रूफ रेसिपी है। आप जो लोग खा के थक गए हैं चिकन शाशलिक, चिकन मंचूरियन और ऑल रेड सॉस स्टफ, तो उनके लिए बेहतरीन उनको ये लगेगी रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार, और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।